Hello everyone and welcome back. In this video, we'll see how to change a font and the font size in a cell. Let us see that practically. Now, I have the sheet which is data formatting. Or यहाँ पे अगर आप देखोगे अलग-अलग font है, okay? जैसे if I keep my cursor on this cornflower, यहाँ पे देखिए जो font है Times New Roman, ये एक font type है. Same way, if I keep my cursor यहाँ पे, वो भी Times New Roman font है. If I keep my cursor यहाँ पे, तो देखिए ये Calibri है. तो अलग अलग फॉन्ट आप यूज कर सकते हो इन दी कंपनी फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस. अगर आप किसी प्रेजेंटेशन में जा रहे हो और बहुत ही फॉर्मल है तो यू कैन चूज सम फॉन्ट फ्रॉम हियर. देखिए दीज आर डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स यू कैन चूज. लेकिन अगर आप किसी मार्केटिंग प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं तो आप कोई फैंसी फॉन्ट यूज कर सकते हैं, जैसे ये अल्जेरियन है. तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फॉन्ट आपको दिखाई देंगे. जैसे मैं आपको और कुछ बता देता हूँ. तो देखिए ये जो फॉन्ट है यूजुअली न्यूज़पेपर में यूज किए जाते हैं. और इफ आई जस्ट स्क्रोल डाउन, ये देखिए ये जो है मार्केटिंग कंपनीज में यूज किए जाते हैं फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस, ताकि वो अट्रैक्ट कर सके कस्टमर्स और क्लाइंट्स को. नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, जैसे इफ आई वांट टू चेंज द फॉन्ट ऑफ दिस डेटा, ओके फिलहाल ये कौन सा है टाइम्स न्यू रोमन. अगर मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है बहुत आसान, सिलेक्ट करिए डेटा, क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन एंड यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी फॉन्ट. मेरा फेवरेट फॉन्ट है कैलिबरी लाइट. आई कैन प्रेस एंटर. तो देखिए ये फॉन्ट और ये फॉन्ट कुछ अलग दिख रहा होगा आपको, ठीक है. तो इट्स वेरी सिंपल टू चेंज द फॉन्ट. सेम वे अगर आपको पूरा का पूरा शीट का फॉन्ट चेंज करना है तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस कॉर्नर, जो कि इंटरसेक्शन ऑफ द कॉलम हेडिंग्स एंड रो हेडिंग्स, ये जो ऑप्शन है आपको दिख रहा है दैट्स द इंटरसेक्शन. सिलेक्ट करने के बाद आई कैन जस्ट क्लिक इन दिस बॉक्स एंड टाइप द कैलिबरी ऑप्शन, कैलिबरी लाइट एंड आई कैन प्रेस एंटर. जैसे ही एंटर प्रेस किया पूरा का पूरा शीट, इनफैक्ट जितने भी सेल्स हैं सारे सेल्स आपका कैलिबरी लाइट में हो चुका है, ठीक है. सेम वे नाउ द नेक्स्ट वन, इफ आई सिलेक्ट द कॉलम हेडिंग विच इज डेट रीजन एंड अदर डेटा, अगर इसका फॉन्ट साइज मुझे मैन्युअली बढ़ाना है तो आई कैन सिलेक्ट दिस डेटा लाइक दिस एंड आई कैन गो टू होम टैब एंड यू सी दिस 16 ऑप्शन जो कि फॉन्ट साइज है. तो यहां से आप मैन्युअली चेंज कर सकते हो. पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो हाउ टू इंक्रीज एंड डिक्रीज बाई 2 पॉइंट्स, बाय डिफॉल्ट 2 पॉइंट्स होता है. लेकिन अगर आपको मैन्युअली चेंज करना है, जैसे इफ यू वांट टू चेंज एज लेट्स से 16 से 24 डायरेक्टली, सो आई कैन सेलेक्ट द ऑप्शन हियर. तो देखिए ये जो डेटा है और उसका टाइटल हेडिंग चेंज हो चुका है फॉन्ट. सेम वे आई कैन गो बैक एंड कीप इट एज 18, तो छोटा हो गया फॉन्ट साइज, ठीक है. तो ये दो सिंपल बहुत सारे ऑप्शन है जो कि फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू वर्क ऑन फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज इन एक्सेल. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो.